नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने कक्षा 12 के लिए शॉर्ट कंपोजिशन के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट भाग को लिया था। उसमें अपन ने किया था मैट्रिमोनियल वैवाहिक, क्योंकि विवाह के लिए अपन जो एड देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसको अपन किस प्रकार से ड्रॉ करना है, परीक्षा की दृष्टि से हमें किस प्रकार से बताना है और उसको किस प्रकार से ड्रॉ करना है। उम्मीद है वो आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज हम एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही दूसरे वाले भाग में चलेंगे, जो अपन बोलते हैं एकोमोडेशन के अंदर, निवास। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है देख लेते हैं अपन। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन के अंदर स्थान के बारे में बताया जाता है। आपने कहीं देखा होगा बड़े बड़े शहरों में कई बिल्डिंग के बाहर या कई दुकानों के बाहर टू लेट लिखा होता है। आपने कभी विचार किया टू लेट क्या होता है? तो टू लेट जो होता है वो ये होता है कि वो दुकान या मकान वो जो है वो किराए के लिए उपलब्ध है। कई ऐसे लोग होते हैं विशेषकर जो प्राइवेट या फिर सरकारी नौकरियों के अंतर्गत होते हैं, उनका ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता है, तो उनके लिए यह संभव नहीं हो पाता कि वो हर जगह अपना मकान बना के रखें। एक जगह उनका मकान फिक्स है, लेकिन जब ट्रांसफ़र हो गया तो उनको अन्य जगह जाना पड़ेगा, और अन्य जगह जब जाना पड़ेगा तो उनको जो है वो रहने के लिए आवश्यकता होगी। तो फिर वो इस प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं वो फिर किराए के मकान के लिए ढूंढते हैं। कई ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, मकान इसीलिए बनाते हैं अलग अलग छोटे छोटे। आजकल तो मल्टीप्लेक्स के अंदर बनने शुरू हो गए, फ्लैट होते हैं, किराए के लिए भी होते हैं और सेल के लिए भी हो जाते हैं। तो अपन आज जो है एकोमोडेशन के अंदर करेंगे, जिसमें शॉप भी आ सकता है, हाउस भी हो सकता है, ऑफिस के लिए आपको जगह चाहिए वो भी मिल सकती है। तो ये सारी बातों पर आज जो है अपन चर्चा करेंगे कि इसके अंदर अपन क्या क्या भाग ले सकते हैं, एकोमोडेशन के अंदर क्या क्या अपन उसका हेडिंग बना सकते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले हेडिंग बनाना होगा कि भाई आपको किस प्रयोजन के लिए चाहिए। तो हेडिंग के अंदर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ टू लेट। टू लेट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, किराए के लिए आपको देना है। अवेलेबल शब्द आता है, उपलब्ध के रूप में वो भी आता है, अपन वांटेड भी हो सकता है। जैसे अपन कह सकते हैं एकोमोडेशन वांटेड, ये भी अपनी हेडिंग बन सकती है। इसके अंदर अपन फॉर सेल का भी ले सकते हैं कि बेचना है हमें, वो भी आ सकता है। और एक चीज और आ सकती है जिसमें आ सकता है ऑन रेंट। ये सारे आपके हेडिंग बन जाएंगे जब आप उसको ड्रॉ करोगे। क्या क्या फर्क है इनका? टू लेट, अवेलेबल और ऑन रेंट, तीनों एक ही चीज है। ऑन रेंट का मतलब किराए पर देने से है, अवेलेबल का मतलब उपलब्ध है, उपलब्ध होने का मतलब क्या हुआ आपको किसी को किराए पर ही देना है, और टू लेट का मतलब है किराए पर देना होता है। वांटेड, ये जो स्थिति बनती है वो बनती है आपको मकान खुद को चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं अन्य शहर में जाते हैं नौकरी के लिए, अब आपको मकान नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, आप एक ऐड देंगे कि भाई मुझे जो है इस लोकेलिटी के अंदर ये मकान चाहिए। अब आप ये चाहेंगे कि जहाँ आप काम करते हैं उससे आपका मकान जो है या किराए का मकान जो भी है दूर ना हो, इससे आपके समय की बचत होगी, खर्चे की बचत होगी, सब कुछ होगा। तो आप ये भी चाहते हैं, कर सकते हैं कि मुझे जो है मैं इस लोकेलिटी के अंदर काम कर रहा हूँ और इसी लोकेलिटी के अंदर जो है मुझे एक मकान की आवश्यकता है, फ्लैट की आवश्यकता है या रूम जो भी है उसकी आवश्यकता है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग प्रकार से कई बातें सामने आती है जब अपन एकोमोडेशन की बात करते हैं। आज अपन चलते हैं कि भाई ये आपके जो है वो फॉर सेल के लिए भी हो सकता है, बेचना है आपको वो भी हो सकता है। ठीक है ना, अब देखो क्या होता है, अब इसके अपन थोड़ी डिटेल ले लेते हैं कि भाई हमें इसके अंदर क्या क्या लिखना है, क्या क्या ऐड करना है। तो ऐड करने में सबसे पहले अपने को लिखना होगा एकोमोडेशन टाइप। क्या प्रकार है
प्रकार के अंदर अपन बात करते हैं तो हाउस आ सकता है, फ्लैट आ सकता है, शॉप आ सकती है और ऑफिस आ सकता है, और भी कई हैं जो आ सकते हैं। भाई मेनली ये चीज़ें आती है, भाई अगर कोई किराया मकान और फ्लैट में फ़र्क होता है, छत अपनी मकान में छत अपनी नहीं होती है, हाउस के अंदर आपको जो है छत अपनी खुद की मिल जाएगी। फ्लैट, शॉप, ऑफिस, ऑफिस के लिए आपको जगह चाहिए, दुकान के लिए आपको जगह चाहिए, तो इस प्रकार से टाइप कौन सा है वो हमें बताना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि हमारे इस प्रकार का मकान, जैसे आपका हाउस है किराए देने के लिए तो आप हाउस लिखेंगे, अगर आपके पास फ्लैट किराए देने के लिए तो आप फ्लैट लिखेंगे, अगर आपको लगता है ये जगह ऑफिस के लिए काम आ सकती है तो आप उसको ऑफिस के लिए काम देंगे, और आपको लगता है ये शॉप है, ये दुकान है और मुझे इसको मेरे उपयोग में अब जो अभी फ़िलहाल नहीं है, मैं इसको किराया दे के इससे कुछ लाभ अर्जित कर सकता हूँ, तो वो आप शॉप के लिए काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है अपने को एकोमोडेशन का टाइप बताना होगा, किस प्रकार का वो टाइप है। उसके बाद में नंबर दो जो है, पहला एकोमोडेशन टाइप आ गया, नंबर दो की अपन बात करते हैं तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या है, तो उसके अंदर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के अंदर मान लो अपन रूम्स के बारे में बताएंगे, फैसिलिटी के बारे में बताएंगे, क्या क्या फैसिलिटीज है उसके बारे में बताएंगे, रूम्स के बारे में बताएंगे, और लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएंगे कि भाई किस प्रकार से जो है कहाँ आया हुआ है, क्या क्या उसके अंदर बना हुआ है, सेपरेट लेट बाथ है या किचन है, दो कमरे हैं, एक कमरे हैं, इसके बारे में हमें उसको जानकारी देनी होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम तीसरी बात करते हैं तो तीसरी बात के अंदर आता है कि क्या होगा, प्रीफर्ड के अंदर क्या करोगे आप, जैसे टेनेंट्स प्रीफर्ड, टेनेंट्स प्रीफर्ड में क्या होगा, आपको किस तरह का जो है टेनेंट्स देना है। जैसे कोई कहता है कि भाई केवल गवर्नमेंट सर्वेंट होगा उसको मैं दूंगा, कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट वाले ताकि किराए की कोई झंझट नहीं रहे, कोई कहता है मैं केवल स्टूडेंट के लिए मेरे पास कमरे हैं, कोई कहता है ओनली गर्ल्स के लिए है मेरे पास, तो सॉरी ठीक है ना, कोई कहता है भाई वेजिटेरियन होना चाहिए उसी को मैं दूंगा, कोई कहता है केवल कपल होना चाहिए, ठीक है ना, कोई ये भी कह सकता है सिंगल पर्सन के लिए भी, कई मामले ऐसे हैं जो अलग अलग कमरे बने हुए हैं सिंगल पर्सन के लिए भी उपयोग में आते हैं। तो हमें ये प्रीफर्ड टेनेंट्स की बात करनी होगी कि भाई हम किस प्रकार का किराएदार रखना चाहते हैं, हमें ऐसा किराएदार नहीं चाहिए जो हमारी इच्छाओं के विरुद्ध काम करे, हमारे लिए परेशानी खड़ी करे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं तो बात करते हैं रेंट की, कि भाई किराया भी हमें बताना होगा कि हम कितना किराया लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात आती है तो आती है कॉन्टैक्ट की, कि भाई आपको संपर्क कहाँ करना है, आप कॉन्टैक्ट के अंदर अपना एड्रेस दे सकते हैं, फ़ोन नंबर दे सकते हैं और ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पर्सनली आके मिले मुझसे, फ़ोन से बात नहीं कर सकते आप, तो पर्सनली आप आके मिलना चाहते हैं तो फेस टू फेस बात आप करना चाहते हैं ताकि आप उसके व्यवहार को जान पाएं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना एड्रेस देते हैं और ये कहते हैं भाई मीट पर्सनली, कॉन्टैक्ट पर्सनली, कि भाई जब वो बंदा खुद आएगा तो हमसे बातचीत करेगा तो हो सकता है हम उसके व्यवहार को जान पाएं, फ़ोन पे इतना मालूम चलता नहीं है। तो ये सारी बातें जो है हमें एक ध्यान में रखनी होगी जब हम जो है एकोमोडेशन के अंदर जो है विज्ञापन को शो करेंगे, विज्ञापन को आगे बढ़ाएंगे। वापस से बात देख लेते हैं, टू लेट अवेलेबल वांटेड फॉर सेल ऑन रेंट, तीन बातें एक ही बात को दर्शाती है, टू लेट अवेलेबल और ऑन रेंट, किराए पर देने की बात हो रही है। वांटेड में आप खुद चाहते हैं किराए पर लेना, उस स्थिति में वांटेड होगा, फॉर सेल में आपको बेचना है, परचेज भी हो सकता है, फॉर परचेज आपको खरीद उस लोकेलिटी के अंदर खरीदना है तो हो सकता है उस लोकेलिटी के अंदर आपको मालूम नहीं है कौन बेच रहा है, अगर आप एड देते हैं तो हो सकता है जो बंदा बेच रहा होता है वो आपसे आके संपर्क कर लें और आपको उस लोकेलिटी के अंदर जगह मिल जाए। आजकल लोग जो है मकान लेने से पहले वहाँ की लोकेलिटी के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं कि भाई लोकेलिटी अच्छी है या नहीं है, जहाँ अच्छी लोकेलिटी होगी
वहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है बसना पसंद करेगा, क्योंकि वो जो है फालतू की परेशानियों से दूर रहना चाहता है। आजकल तो मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वगैरह, उसमें जो फ्लैट मिल रहे हैं, तो फ्लैट में भी ऐसी स्थिति होती है कि लोग देखते हैं भाई ये किस इलाके में है। एक ऐसा इलाका जहाँ पे सारी सुविधाएं होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ एडिशनल फीचर भी होने चाहिए। जैसे आजकल पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा भागा दौड़ रहती है कि गाड़ी पार्क कहाँ करनी है, तो जो कोई भी बंदा किराए पर लेगा उसके लिए पार्किंग है, या गार्डन के लिए भी वो मांग करेगा, आसपास कोई गार्डन है तो वो सुबह वहाँ पे घूमने के लिए चला जाए। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपन एक बात करेंगे जिसमें ये चीज़ें आती है। उम्मीद है ये फॉर्मेशन आपको इतनी समझ में आ गई होगी। अब एक अपन ड्रॉ करके देखते हैं किस प्रकार से हम जो है एक एड को ड्रॉ करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको साथ में लिख सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा अपन ले रहे हैं टू लेट के लिए, किराए पर देने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, हेडिंग डाल दी मैंने टू लेट। ठीक है, अब अपन शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत अपन करेंगे अवेलेबल से कि हमारे पास उपलब्ध है ये चीज़। क्या उपलब्ध है वो देखो। अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल में अपन थोड़ा उसकी अच्छाइयों के बारे में पहले बताते हैं। तो अवेलेबल ए वेल एक्यूपाइड, ठीक है, और विशेषता डालें तो ये कर सकते हैं न्यूली, नया नया बना हुआ है, और न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस या फ्लैट कोई भी ले सकते हैं आप। अपन मैं यहाँ हाउस ले जाऊँ, ये अपन ने सबसे पहले बात कर ली कि भाई अपना टाइप कौन सा है, शॉप है या फ्लैट है या हाउस है या ऑफिस है। तो हमने सीधा पहली बात ये ले ली कि जो है अवेलेबल ए वेल एक्यूपाइड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? देखो हाउस है तो अब इसके साथ विशेषता और भी जोड़ देते हैं। क्या विशेषता जोड़नी है? जैसे लिख दिया मैंने विथ, विथ क्या है? विथ सेपरेट, सेपरेट, सेपरेट चीज़ क्या? तो सेपरेट जो है वो अपन कर सकते हैं बाथरूम, बाथरूम के साथ लेट बाथरूम कर सकते हैं, लेट, ठीक ना, टॉयलेट कर सकते हैं, टॉयलेट एंड बाथरूम दोनों सेपरेट है, अलग अलग है। उसके बाद में अपन बात करते हैं किचन की, किचन है, रसोई जो है बिल्कुल सेपरेट, अलग रसोई है। ठीक है, अब लेट बाथ की बात आ गई, किचन की बात आ गई, अब हम उसको बताना भी अपने कमरे कितने हैं। तो अपन ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लो अब मैंने कह दिया टू रूम्स, सॉरी दो रूम्स आ गए। ठीक है, अब और क्या चाहिए? तो अगर आप थोड़ा बड़ा मकान है तो आप इसमें डाइनिंग हॉल भी कर सकते हैं, तो टू रूम्स वन डाइनिंग हॉल। ठीक है, आप उसमें आउटसाइड बालकोनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बालकोनी आ गई। फैसिलिटी की अपन बात करते हैं तो ये कर सकते हैं 24x7। ठीक है, अब इसमें अपन लिख सकते हैं वाटर सप्लाई, ये आ गया। अब उसमें अपन एक और जोड़ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज जो होंगे वो आपके एक्स्ट्रा लगेंगे किराए के अलावा। ये चीज़ होगी वाटर इलेक्ट्रिसिटी, दोनों अपन किराए के अलावा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में पार्किंग अपन कह सकते हैं, पार्किंग की सुविधा हमारे पास है, आगे लॉन बना हुआ उसमें आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ठीक है, और गार्डन नियर बाय अपन कर सकते हैं कि पास में बगीचा भी है। या नियर बाय गार्डन कर सकते हैं, पब्लिक गार्डन या पब्लिक पार्क कर सकते हैं।
ठीक है हो गया। अपन ने क्या क्या सुविधा उसको बता दी, नया घर बना हुआ है, सेपरेट लेट बाथ है, किचन है, टू रूम्स है, डाइनिंग हॉल है, आउटसाइड बालकनी निकली हुई है, 24 hours वाटर सप्लाई है, कोई समस्या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो होगा वो एक्स्ट्रा होगा, चलो मान ली इस बात को। पार्किंग की सुविधा है, अगर आपके पास कोई किराएदार के पास गाड़ी है तो पार्किंग की सुविधा आपके पास है, और नियर बाय पब्लिक पार्क है, जो आप मान लो सुबह शाम अगर घूमने के लिए आप जाते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, अब कहाँ आया हुआ है वो भी अपने को बताना पड़ेगा, तो अपन लिख देते हैं सिचुएटेड, नाम लिखना है कहाँ आया हुआ है, जैसे सिचुएटेड इन संजय कॉलोनी, जयपुर, अपन उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है रेंट की या बात आती है प्रीफर्ड की, पहले प्रीफर्ड लिख लेते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसको देना है, गवर्नमेंट प्रीफर्ड है या पब्लिक सेक्टर जो प्रीफर्ड है, स्टूडेंट्स प्रीफर्ड है या फॉर ओनली गर्ल्स ही है, क्या है? तो प्रीफर्ड अपन कर देते हैं फॉर सिंगल फैमिली, सिंगल फॉर सिंगल गवर्नमेंट सर्वेंट फैमिली ओनली। आप चाहते हैं तो स्टूडेंट का भी ले सकते हैं, ये अपन ने लिया। रेंट की बात अपन करते हैं, किराया अपन कितना लेंगे, तो रेंट की अगर अपन बात करते हैं तो फिर अपन कितना किराया देखें उसका, जो भी आपको उचित लगता है लिख लीजिएगा। रेंट में यह लिख देता हूं 5000 पर मंथ। ठीक है, हो गया। अब अपने को क्या चीज बाकी रही है, मेरे हिसाब से कुछ बाकी रहा नहीं इसके अंदर। अब सीधा जो है वो कॉन्टेक्ट है, तो क्या होगा, अपन यहां लिख सकते हैं प्लीज कॉन्टेक्ट, या तो अपन कर सकते हैं पर्सनली, टू अंडर राइट एड्रेस। ठीक है, और इसके नीचे फिर आप जो है अपना एड्रेस लिखेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एड्रेस जो अपन ने यहाँ पे दिया है और ये एड्रेस समान हो सकता है उस बंदे के दूसरी जगह मकान लिया हो, वहाँ पे रह सकता हो, और ये मकान अपना दूसरी लोकेलिटी में, उसको वो किराए पर देना चाहता हूँ, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, समान भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाले हिस्से में वो रहे, नीचे वाले हिस्से के अंदर आपको वो जो किराए पर दे दे, या नीचे वाले हिस्से के अंदर खुद रहे ऊपर वाला किराए पर दे दे, या आप मतलब उसके पास में ही हो, तो ये कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है कि भाई सेम है या अलग अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहते हैं तो वही लिख सकते हैं, आप चाहते हैं तो वही लिख सकते हैं, एड्रेस आ जाएगा। फिर आप चाहते हैं तो फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर के बाद अगर आप चाहते हैं तो मोबाइल लिख सकते हैं कि भाई मोबाइल पर आप किससे संपर्क करें, या फिर आप जो है वो ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं, और इस तरह से अपन इसको जो है यहाँ से बंद कर देंगे। तो ये आपके जो है वो एक टू लेट वाला फॉर्मूला है कि भाई अपने को मकान किराए पर किस तरीके से देना है। अब अगर बात वांटेड की हो तो यहाँ वांटेड हो जाएगा, अवेलेबल की जगह वांटेड हो जाएगा, आपको क्या क्या चाहिए वो सारी यही बातें सामने आएगी, और आपको लोकेलिटी बतानी पड़ेगी कि किस लोकेलिटी में आपको चाहिए, अगर आपको आप उसमें प्रीफर्ड करते हैं तो, नहीं तो आप कह सकते हैं एनीवेयर इन जयपुर, कहीं पर भी हो मुझे ये चाहिए, तो आप सेम ही पैटर्न है इसका, ये सारी विशेषताएं आपको, भाई आप अगर फैमिली है आपकी तो आपको दो कमरे चाहिए होंगे, डाइनिंग हॉल चाहिए होगा, या फिर अलग से किचन बाथ चाहिए होगा, तो फिर आप उसमें मेंशन करेंगे तो यही बातें सामने आएगी। केवल फर्क कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे अवेलेबल पे आप लिख देंगे वांटेड, ठीक है, और ये चीज़ शायद आप नहीं लिखेंगे, लिख भी लेते तो कोई बड़ी बात नहीं कि भाई पुराना घर मुझे नहीं चाहिए, नया बना हुआ घर होगा उसी को मैं किराए पर लूँगा, तो ये वाली बात भी सामने आ सकती है, सेम बातें आएंगी, सेम चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल की जगह हो जाएगा वांटेड। अगर सेल करना चाहते हैं तो ये सारी बातें हैं वही आएगी, इसमें आप फिर वो चार्जेज एक्स्ट्रा नहीं करोगे, क्योंकि आप तो उसको सेल कर रहे हो, तो सेल करने के बाद तो वो पूरा अधिकारी वो हो गया, तो ये चार्जेज वगैरह उसके अंदर नहीं आएंगे। ये थोड़ी कॉमन सेंस की बातें होती हैं जो अपन सोचते हैं, और एक सीनियर लेवल पर जब बच्चा आता है
तो उसे इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब हम खरीद रहे हैं या फिर किराए पर ले रहे हैं तो कौन कौन सी बातें उसमें अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप अन्य से कोई सवाल होते हैं आप उनको ड्रॉ करके देखिए, अखबार के न्यूज़पेपर के अंदर जो भी आता है आप उसको पढ़िए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। इतना कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत शॉर्ट में दिया होता है, लेकिन ये चीज़ अपने को परीक्षा की दृष्टि से अपने को इतना करना होगा। और वैसे भी अमूमन अगर अपन किसी को सूचना देते हैं तो ये तो चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी, अगर ये चीज़ हम नहीं बताएंगे तो वो उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी भाई कहाँ है क्या क्या सुविधा है, तो ये बात थोड़ा हमें जो है ध्यान रखना होगा। तो आज के इस टॉपिक में अपन एकोमोडेशन को लेकर बात की थी कि किस प्रकार से अपन जो है टू लेट में है या वांटेड में है या अवेलेबल में है या ऑन रेंट में है या सिचुएशन के अंतर्गत है अपन उसको ड्रॉ करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद बनाने का प्रयास कीजिए, जो बातें आ रही है उसको ऐड करने का प्रयास कीजिए। अपने आप से जो है वो सीनियर लेवल में आने के बाद जो है आपका कंपोजिशन वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा मजबूत होना चाहिए, और जब ये मजबूत होगा तो आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। केवल और केवल जो लिखने का तरीका आपको ध्यान में होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अधिकतम से अधिकतम इसको शेयर करें, सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो उसको भी कर लेवें, ताकि हमारे जो भी अगले वाले वीडियो आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मालूम चल जाएगा कि भाई ये वीडियो नया आया है। कोर्सेज मेरे हिसाब से थोड़ा लंबा चलेगा, ये ऑनलाइन वाला हो सकता है लगभग कोर्स के हिसाब से हम इसको पूरा चला देवें, तो आपके लिए ये बहुत ही सुविधा रहेगी, पूरा कोर्स आपको घर बैठे ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जितना मेरा प्रयास था अच्छे ढंग से सरल तरीके से आपको समझाने का उतना मैंने प्रयास किया है, ठीक है। आगे के वीडियो में अपन सैलरी परचेज ले सकते हैं, जॉब वैकेंसी वाला ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगले वाला वीडियो जो होगा जिस समय जो परिस्थिति बनेगी, जॉब वैकेंसी ले सकते हैं, सैलरी परचेज ले सकते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड ले सकते हैं, तो अपने थोड़ा सा ये भाग है अभी, उसके बारे में अपन जो अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।